आग्रह पर अपने कुछ विचार रख रहा हूं, उसी बात को आज पुनः आरंभ करते हैं। आग्रह जो हमारे जीवन में चार रूपों में प्रकट होता है, वस्तु का आग्रह, व्यक्ति का आग्रह, विचारों का आग्रह। वस्तु का आग्रह वैराग्य को दूर करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वैराग्य आता है तो वस्तुओं का आग्रह छूट जाता है। व्यक्ति का आग्रह वात्सल्य भाव से दूर हटाता है, या इसे ऐसा कहें कि जितना जितना वात्सल्य होगा उतना उतना व्यक्तियों के प्रति आग्रह शून्य होता चला जाता है। वैचारिक आग्रह विवेक को दूर करता है, या इसे उल्टा कहें कि व्यक्ति में जितना विवेक का प्रकाश होगा उतना ही अपने विचारों के प्रति उसका आग्रह कम से कमतर और कमतर से शून्य होता चला जाएगा। आज हम चौथी बात पर थोड़ी सी अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। ये जो चौथा आग्रह है, वैसे तो तीन आग्रहों में सारी बात समाप्त हो जाती है, परंतु इसको चौथे के रूप में थोड़ा अलग किया गया है, क्योंकि हम ज्यादातर मामलों में लोगों को इसमें उलझते हुए देखते हैं, उलझते हुए पाते हैं। लोग आशा लेकर कुछ और आते हैं और हाथ उनके कुछ और लगता है। आते तो वो प्रकाश की चाहना में है, परंतु उन्हें अंधकार मिलता है। आते हैं स्वतंत्रता की कामना में और बंध और जाते हैं, उलझ और जाते हैं, जहां उन्हें अपने समाधान की जिज्ञासा होती है, जहां जीवन में सुलझन की आशा होती है, जहां अपने सारे प्रश्नों के उत्तरों के उन्हें इच्छा और खोज होती है, वहां उनके सामने उत्तर के बजाय और प्रश्न खड़े हो जाते हैं, वहां और उलझने खड़ी हो जाती हैं, वहां उनके जीवन में और समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और ये इसीलिए होती हैं क्योंकि व्यक्ति में अपनी समझ से ज्यादा अंधानुकरण करने की कहो, या एक शब्द आता है हमारा आगमिक शब्द है, गतानुगतिक होना। गतानुगतिक का मतलब होता है देखा देखी करना, दूसरों को देखकर कुछ सीखना, दूसरों को देखकर चलना। देखिए, एक सीमा तक दूसरों का अगर आप देखकर सीखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरों को खाना खाते हुए अगर आप कोई सलीका सीखते हैं, दूसरों से कपड़ा पहनने का अगर आप ढंग सीखते हैं, दूसरों से चलने का, फिरने का, बोलने का अगर आप कोई सही तरीका सीखते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरों से आप कोई अक्षर विद्या लेते हैं, गणित सीखते हैं, भूगोल सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे जीवन में आसानी हो जाती है। खोज कोई करता है, आसानी आपको हो जाती है या नहीं है? किसी व्यक्ति ने बिजली का आविष्कार किया और आसानी आपको हुई, किसी व्यक्ति ने फोन का आविष्कार किया, आसानी आपको हुई, किसी व्यक्ति ने किसी जमाने में कोई कपड़ा बनाया, आसानी किसको हुई? हम सबको हुई। मतलब ये है कि अगर इन चीजों में नकल चले तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर जीवन का पहनने में, खाने में, बोलने में, चलने में, उठने में, अगर शिष्टाचार तक अगर आपका दूसरों से सीखना अगर है, शिष्टाचार अगर दूसरों से सीखा जाए, माता पिता से, गुरुजनों से, समाज से, आसपास के दोस्तों से, मित्रों से सीखा जाए, तो कोई बुराई नहीं है। परंतु जहां धर्म का मामला है, धर्म के मामले में सिखावन नहीं चलती, धर्म के मामले में नकल नहीं चलती, धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में ऐसा नहीं है कि दूसरा जो करे और आप वो करो तो वो धर्म होगा। हो सकता है कि दूसरे ने मुंह पट्टी पहनकर पा लिया हो, परंतु हो सकता है कि अगर आप देखकर मुंह पट्टी पहनते हैं, सीखकर मुंह पट्टी पहनते हैं, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल खाली रह जाओ। महावीर के लिए हो सकता है कि वो नग्न होकर उन्होंने पा लिया हो,
परंतु जरूरी नहीं है कि उनकी तरह बहुत सारे लोग नग्न हो जाएं और वो भी पा लें, यह आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में नकल नहीं चलती, अध्यात्म में देखा देखी नहीं चलती, अध्यात्म में गतानुगतिकता नहीं चलती कि आपने दूसरों को देखा और आप भी आध्यात्मिक बन गए, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु ये जो चौथा आग्रह है, ये हम में ज्यादातर मामलों में धर्म के मामले में आता है, जिसे हम धर्म के रूप में अंगीकार करते हैं, वो है संप्रदाय का आग्रह। पहला है वस्तु का, फिर है व्यक्ति का, और फिर है विचारों का, और ये जो चौथा है ये है संप्रदाय का। अब बात ये आती है कि संप्रदाय में और विचारों में फर्क क्या है, है ना? संप्रदाय एक जब संप्रदाय चलता है वो भी तो किसी विचार किसी मान्यता को लेकर चलता है। परंतु याद रखिए कि संप्रदाय और विचार में थोड़ा सा फर्क है। वैचारिक आग्रह किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, समाज का, राजनीति का, परिवार का, घर का, या किसी भी तरीके का कोई वैचारिक आग्रह हो सकता है। परंतु जहां संप्रदाय है, संप्रदाय केवल और केवल धार्मिक आग्रह है कि ऐसा ही होगा, अगर ऐसा है तो सही है, अन्यथा सब क्या है, गलत है। अब ये जो संप्रदाय का आग्रह है, संप्रदाय जो शब्द है ये बहुत प्यारा शब्द है, अगर आप ध्यान दें तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया शब्द है। परंतु जहां तक इसके साथ रहने वाले या इसके साथ जो सलूक करने वाले लोग हैं, उतना ही बुरा इसके साथ सलूक किया जाता है, इसके साथ बुरी तरीके से लोग पेश आते हैं। अब देखो, संप्रदाय को अगर हम समझने की कोशिश करें तो संप्रदाय का मतलब क्या होता है? एक संस्कृत में विभक्तियां चलती हैं, उसमें एक विभक्ति है संप्रदान, संप्रदान से ही सांप्रदायिक बना है। संप्रदान का मतलब क्या होता है? सम्यक तरीके से, उत्कृष्टतम तरीके से किसी को कुछ देना, उसको क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। आदाय कहते हैं कुछ मिलना, दान कहते हैं कुछ देना, कुछ दिया जाना। आदाय का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, तो संप्रदान का मतलब होगा सम्यक, उत्कृष्ट जो है सम्यक तरीके से प्राप्त करना, उसे क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं। कि सम्यक तरीके से जो उत्कृष्ट है उसकी प्राप्ति होना, ये संप्रदाय है। ठीक है, समझे आप? कि सम्यक तरीके से, सम्यक ढंग से जो उत्कृष्ट है, जो उच्च है, जो श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति का होना, उसकी उपलब्धि का होना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे संप्रदाय कहते हैं। परंतु अगर हम इस अर्थ को छोड़ दें और लोगों को देखें तो संप्रदाय का मतलब होता है किसी बाड़ाबंदी में बंध जाना, है या नहीं है? किसी एक समाचारी में, किसी एक विचार में बंध जाना, उसे संप्रदाय कहते हैं। और लोग इसी के तहत जीते हैं, ज्यादातर मामलों में लोग इसी के हिसाब से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें धर्म की समझ नहीं होती, समझ उन्हें विचार आते हैं, और विचार हमेशा अंतिम नहीं होता, विचार हमेशा कोई भी आखिरी नहीं होता, आखिरी तो केवल और केवल आत्मा है। आत्मा तक कितने लोगों की पहचान होती है, कितने लोग पहुंचते हैं आत्मा तक? 100 चलते हैं तो एक आध पहुंचता है या नहीं है? अगर हजारों लाखों लोग अगर इस संप्रदाय के मार्ग पर चलते हैं तो पहुंचने वाले कितने होते हैं? एक दो ही होते हैं। उन एक दो को असली मायनों में कहा जा सकता है कि ये सांप्रदायिक हैं, बाकी के सारे बेचारे वो भेड़ बकरियां हैं जो एक दूसरे के पीछे इसलिए चलती हैं ताकि उन्हें भी सम्यक धर्म की, सम्यक आत्मा की प्राप्ति हो जाए। परंतु ये संभव नहीं है। क्योंकि क्यों संभव नहीं है? क्योंकि धर्म के मामले में आप नकल करके प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये कपड़ा बदलना नहीं है, ये खाना खाना सीखना नहीं है, ये किसी भाषा को सीखना नहीं है, ये गणित का सीखना नहीं है, ये साइंस का सीखना नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने की कला का सीखना है। जो इसे अपने जीवन में अपनाता है उसके जीवन में आता है, और बाकी सब क्या रह जाते हैं? खाली रह जाते हैं। आपको पता है जब भोजन बनता है तो भोजन बनाते समय आप उसमें करछी घुमाते हैं और थाली में परोसने के बाद चम्मच से खाते हैं, चम्मच भी भोजन में या सब्जी में चम्मच भी डूबता है, उस सब्जी में करछी भी डूबती है, पर आप जानते हैं कि स्वाद केवल और केवल किसको मिलता है? जीभ को, है या नहीं है? करछी को स्वाद मिला, वो घिस जाती है परंतु उससे स्वाद नहीं। आप करछी से पूछो, भाई करछी बताओ तो सही बहना, आज सब्जी कैसी बनी है, बताएगी? नहीं बताएगी। क्यों? कितना ही उसे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन में डुबो दो परंतु उसे कोई स्वाद नहीं आने वाला। लोग भी कुछ ऐसे होते हैं,
जो आते तो हैं धर्म के मामले में, परंतु वो रहेंगे वहीं, परंतु जिएंगे वहीं, करेंगे वहीं, परंतु वो करछी की तरह खारी के खाली रह जाते हैं। परंतु याद रखना, जिह्वा की तरह भी कुछ लोग होते हैं, आते हैं और धर्म का क्या मिल जाता है? प्रकाश मिल जाता है, धर्म की उपलब्धि हो जाती है। आपको ये कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको पहले भी सुना रखी होगी, एक बार फिर से उस पर गौर कर लेते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की दो बेटियां थी, एक का नाम था माया और दूसरी का नाम था मुक्ति। माया और मुक्ति दोनों बहनें हैं और दोनों बहनों को ब्रह्मा जी कहते हैं बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो अपना उत्तराधिकार किसी को देना था, उत्तराधिकार देना है तो दोनों बेटियों को बुलाया और कहा कि देखो तुम्हें जो पसंद आए तुम ले लो। क्या कहा? तुम्हें जो पसंद आए वो तुम ले लो। तो ये चीज याद रखना, व्यक्ति उसी का चुनाव करता है जैसा उसका स्वभाव होता है। जैसे वो भीतर से होगा वैसा ही उसका चुनाव भी होगा, उसका बोलना, उसके कपड़े, उसका खाना पीना सिर्फ उसी ढंग का हो जाता है जैसे कि वो भीतर से होता है। अगर तामसिक होगा तो तामसिक चीजें उसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। राजसिक स्वभाव वाला होगा तो राजसिक चीजें उसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। और अगर सात्विक स्वभाव वाला होगा तो सात्विक चीजें उसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। तो माया और मुक्ति को कहा कि बोलो तुम्हें जो चाहिए तुम दोनों आपस में सलाह करके बंटवारा कर लो और तुम दोनों उस पर अपना शासन चलाओ। तो माया ने चुना संसार का राज्य और मुक्ति ने चुना मोक्ष का साम्राज्य। दोनों बहनों ने अपना बंटवारा कर लिया अपनी अपनी इच्छा से। मुक्ति ने अपनी इच्छा से कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए और माया ने अपनी इच्छा से कहा मुझे संसार चाहिए। और दोनों बहनें अपने अपने राज्य में चली गईं। इधर क्या हुआ, माया ने अपना ऐसा रंग दिखाया कि कोई मुक्ति में ना गया, कोई मोक्ष में जाने के लिए तैयार ही नहीं। मुक्ति बेचारी ऊपर आराम से बैठी और दरवाजा देखती है कि भैया कोई आए, कोई आए, कोई आए, है ना, कोई आए। प्रवचन के लिए लोगों को आमंत्रित करना पड़ता है कि भैया आओ, प्रवचन होते हैं। परंतु फिल्म हॉल के लिए आपको आमंत्रित नहीं किया जाता कि आओ, दिया जाता है। कोई घर तक बोलने के लिए आता है आपको कि भैया आओ फिल्म लग गई, सिनेमा हॉल में कोई बोलने के लिए नहीं जाता है या नहीं है। तो वो ही बात है कि जो माया ने जब अपना रंग फैलाया तो मुक्ति बेचारी हैरान हुई कि कोई ऊपर क्यों नहीं आया, अभी तक कोई आता ही नहीं है। वो अकेली हैरान परेशान ब्रह्मा जी के पास गई और पिताजी ये तो मेरे साथ बड़ा बुरा हो गया। करे क्या हुआ बेटी? करे आपने मुझे राज्य तो दे दिया पर मेरे राज्य में मैं राज्य करूं किस पर, शासन करूं किस पर, कोई होना भी तो चाहिए, मेरे राज्य में तो कोई आता ही नहीं है। तो क्या करे, अच्छा ऐसा कैसे हो गया? कह करे देखो पता नहीं हुआ क्या है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने ऊपर से ध्यान में देखा तो देखा कि भैया वो तो सारे माया के राज्य में खुश हैं। तो सोचा कि चलो अगर वो वहां खुश हैं तो कुछ लोगों को बुलाता हूँ, कुछ लोगों को जगाता हूँ। उन्होंने घोषणा करी और घोषणा करते ही उन्होंने एक खंबा, एक मोटा सा खंबा स्तंभ उन्होंने मोक्ष में गाड़ा, उस पर एक मोटी रस्सी बांधी और वो जो रस्सी है वो नीचे जमीन पर फेंक दी और घोषणा कर दी कि भैया जिसे भी मुक्ति चाहिए, जिसे भी मोक्ष में आना है वो इस रस्सी को पकड़े और ऊपर क्या हो जाए, ऊपर पहुंच जाए। अब बताओ एक सवाल आप लोगों से मेरा है, मुक्ति किसको चाहिए? ईमानदारी से जवाब देना, किसको चाहिए? हाथ उठाओ, ऐसे तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए, मतलब सभी को मुक्ति चाहिए। चलो ठीक है, अगर इसी समय भगवान आ जाए और कहे चलो मुक्त हो जाओ, छोड़ो अपना शरीर, ये घर बार, क्या कहोगे कि हाँ हो जाए? हैं? अभी प्राण छोड़ने पड़ेंगे और प्राण छोड़ने में पता है आपको कितना दर्द होगा, कितनी परेशानी होगी, पीड़ा झेलनी पड़ेगी, कष्ट झेलना पड़ेगा, तैयार हो? हैं? एक कथा याद आ रही मुझे, पर कथा लंबी हो जाएगी, सुनाऊंगा नहीं आपको। पर याद रखिए कि मुक्ति की बातें करते सभी हैं परंतु असली मायनों में चाहने वाले कितने होते हैं, कितने होते हैं, नगण्य मात्र के होते हैं। जब वो मुक्ति से, वो मोक्ष से जब वो रस्सी नीचे फेंकी ना, तो पहले तो लोगों ने तो वो भैया मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में सुना तो था, उन्होंने खबर तो थी कि कहीं कोई जगह है ऐसी, पर कोई जगह और एकदम से रस्सी आ जाएगी ऐसी किसी ने उम्मीद ना की थी, ऐसी किसी की आशा ना थी। जैसे ही रस्सी देखी तो पहली बात तो उन्हें रस्सी को छूने में डर लगा कि कहीं एकदम से रस्सी को हम छूए और जबरदस्ती ऊपर खींच ले तो क्या होगा, है ना, हमारे तो बाल बच्चे बेचारे ऐसे रह जाएंगे, दुकान ऐसी रह जाएगी हमारी। तो वो डरे, पर कुछ हिम्मत वाले होते ना, साहसी लोग, कुछ लोगों ने छू कर देखा तो कोई जबरदस्ती का मामला ना था, है ना। यहाँ जबरदस्ती का मामला तो है नहीं कि भैया एक हो गया तो सब हो जाएंगे, ऐसा है भी नहीं।
तो उन्होंने देखा कि ये तो रस्सी आई तो है पर कोई जबरदस्ती वाला नहीं है, तो वो छूते हैं, देखते हैं, और दो जब एक को छूकर देखा, एक ने छूके देखा, उसे कुछ ना हुआ, तो दूसरे को भी हिम्मत पड़ी। एक आते हैं, दूसरे दिखाते हैं, देखो देखो रस्सी, देखो मोक्ष की रस्सी। एक के हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे के हाथ से तीसरे हाथ में, पहुंचते अब रस्सी तो रस्सी है, रस्सी के बट खुलने शुरू हो गए। बट खुलने शुरू हुए तो वो जो रस्सी के बट हैं वो एक एक हाथ में आते हैं और रस्सी का तार तार बिखरता चला जाता है, परंतु कोई माया का लाल ऐसा नहीं आता जो आए और रस्सी पकड़कर कहां पहुंच जाए, मोक्ष में चला जाए। आखिरकार कहते हैं कि एक एक तार, वो मुक्ति का जो रस्सी थी उसके एक एक तार एक एक व्यक्ति के हाथ में आ गया और सब उस तार को लेकर खड़े हैं और खड़े होकर कह रहे हैं कि भैया असली तार मेरे पास है, असली रस्सी मेरे पास है, बाकी सब क्या है, झूठे हैं, बाकी सारे झूठे हैं, किसी की रस्सी मोक्ष में नहीं जाती, सबसे सुंदर रस्सी मेरी, सबसे सच्ची रस्सी मेरी, और आखिर में मेरी रस्सी सच्ची, तेरी रस्सी झूठी, और आपस में गुत्थम गुत्था होकर सब लड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, मुक्ति की तरफ निराशा से देखा और कहा, बेटी ये उपाय तो क्या हो गया, ये तो बेकार चला गया, ये देख इन मूर्खों को, जो इनको ऊपर आने का बहाना था, जो ऊपर आने का उपाय था, उसी को लेकर ये आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। आपको पता है जब महावीर ने धर्म चलाया था तो हमारे कितने संप्रदाय थे, हैं? कितने थे, एक था, हद कर दी आपने, एक भी नहीं था संप्रदाय, एक भी नहीं था, केवल और केवल धर्म था। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो उत्तम, है ना, केवली पन्नतो धम्मम शरणम पवज्जामि, केवलियों का बताया हुआ केवल धर्म होता है। संप्रदाय तो बाद में आने वाले लोग बनाते हैं, कोई संप्रदाय नहीं, एक संप्रदाय खड़ा होता है, एक विचार खड़ा होता है, एक मान्यता खड़ी होती है और फिर उसके बाद धाराएं बननी शुरू हो जाती हैं। एक बार अगर धारा बंट गई फिर कितनी धाराओं में बटेगी, कितने धागे बनेंगे, कितने रास्ते बनेंगे, फिर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति, अरे तुमने बना दिया तो हम कौन से पीछे हैं, हम कौन से छोटे हैं, हमारा कौन सा भगत मंडल थोड़ा छोटा थोड़ी ना है, हम भी दिखा देंगे तुम्हें कि हम भी संप्रदाय खड़ा कर सकते हैं। फिर बनाते जाओ। एक भगवान बुद्ध ने जब धर्म का प्रवर्तन किया तो केवल और केवल उस समय धर्म था, परंतु बाद में आने वाले पता नहीं कितने संप्रदाय खड़ी हो गए। इसी तरीके से चाहे दुनिया में किसी भी महापुरुष को ले लो, जब तक वो जीवित रहे तब तक धर्म रहा, उनके जाते ही संप्रदायें खड़ी हुई हैं, और आज हालात ये है कि महावीर ने जो धर्म दिया था उसके स्थान पर केवल और केवल कुछ ही लोगों ने, गिने चुने लोग ऐसे हैं जिन्होंने धर्म को जीवित रखा है, बाकी के सारे लोग अगर अपनी शक्ति लगा रहे हैं, अपना सामर्थ्य लगा रहे हैं, अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, तो संप्रदायों की रक्षा में, केवल और केवल संप्रदायों की सुरक्षा में। लोग जानते नहीं है कि छोटा सा जीवन मिला है, चार दिन की जीवन है, चार दिन की जिंदगी, और इसकी रक्षा कर रहे हैं किसकी सुरक्षा में, संप्रदाय की। तो अब बात आई संप्रदाय की, तो संप्रदाय, जब व्यक्ति संप्रदाय का आग्रह लेकर चलता है तो पता है उसके हाथ से क्या खिसकता है, क्या जाता है, हैं? किसे खोता है वो, तो कहा वो सत्य को खो देता है। किसको खोता है, सत्य को, कि अगर संप्रदाय व्यक्ति जो होगा, चाहे वो कितना भी क्रियावान हो, कितना भी अच्छा ज्ञानवान हो, कितना भी अच्छा उसका कुछ भी हो जाए, परंतु उसके पास सत्य नहीं होगा। आगमों के नॉलेज होगी, प्रवचन बढ़िया होगा, लोगों में प्रभावना भी बढ़िया कर देगा, लोगों को प्रशंसा भी पा लेगा, लोगों में अपना चमत्कार वाला पैठ भी बना लेगा, परंतु जहां तक सत्य की बात है तो सत्य का इन सब से कोई संबंध नहीं है। भीड़ से सत्य का कोई संबंध नहीं है, सत्य का संबंध केवल और केवल वैयक्तिक है, ये व्यक्तिगत चीज है, और ये व्यक्तिगत भी तब है जब आप इसे अनुभव करो, और ये अनुभव तब होगा जब आपका सांप्रदायिक आग्रह गिरेगा। अगर संप्रदाय को पकड़कर बैठे रहेंगे तो सत्य नहीं मिलने वाला, सत्य को चाहने वाला व्यक्ति संप्रदाय का आग्रह नहीं रखता, विचारों का आग्रह नहीं रखता, यही ठीक है ऐसा नहीं कहता, उसे तो केवल और केवल जहां रोशनी दिखाई दी उसी रास्ते पर वो क्या हो जाता है, चल पड़ता है। सत्य का अनुशंसा करने वाला,
सत्य की प्रशंसा में जीने वाला, सत्य की आराधना में जीने वाला व्यक्ति मार्ग की फिक्र नहीं करता, रास्तों की फिक्र नहीं करता, केवल और केवल फिक्र करता है तो केवल और केवल सत्य की फिक्र करता है। सत्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ये नहीं कहता कि कपड़े सफेद होने चाहिए, कपड़े लाल होने चाहिए, कपड़े पीले होने चाहिए, कपड़े काले होने चाहिए, कपड़े हरे होने चाहिए, या झंडे का रंग कैसा हो, गेरुआ हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो। लोग झंडों के लिए लड़ते हैं, लोग कपड़ों के लिए लड़ते हैं कि भैया खुले पांव चले, नंगे पांव चले, या चप्पल पहने, या सिर मुंडन करना चाहिए या बाल उखाड़ने चाहिए, खाना ऐसा खाना चाहिए, खाना वैसा खाना चाहिए। भैया इन चीजों की फिक्र मत करो, क्योंकि ये तो केवल और केवल शिष्टाचार है। फिक्र करनी है तो सत्य की करो, क्योंकि जीवन में अगर सार है तो केवल और केवल क्या है, सत्य है। सत्य पा लिया तो सब कुछ पालोगे। जिन्होंने सत्य को गंवा दिया वो सब कुछ पाकर भी सब कुछ क्या कर लेते हैं, गंवा देते हैं। तो संप्रदाय नहीं बल्कि आराधना किसकी करें, सत्य की करें। सत्य की आराधना करने वाला सच्चा सांप्रदायिक हो जाता है, परंतु संप्रदाय में चिपटा रहने वाला सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता, ये पक्का आप लिख कर रखिए। तो इसलिए ये चार बातें मैंने आप लोगों के सामने कही। वस्तु का आग्रह है अर्थात वैराग्य का देश निकाला, व्यक्ति का आग्रह है मतलब वात्सल्य से छुटकारा, और उसके बाद विचारों का आग्रह है अर्थात विवेक से हमारी छुट्टी, और संप्रदाय का आग्रह है सत्य से हमारी दूरी। तो आप इन आग्रहों को छोड़कर विवेक को, वैराग्य को, वात्सल्य को और सत्य को अपना जीवन का अंग बनाएं। जो ऐसा करते हैं उनका जीवन अवश्यमेव दिव्य बनता है, भव्य बनता है इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम।